अल्लाह बचा ले। तूफान कौन है वो? हम भाग क्यों रहे हैं? तुम क्यों भाग रहे हो उस आदमी के पीछे? वो आदमी एक फ्रॉड है, मैं उसकी वजह से ही इस हालत में हूँ। कौन सा फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? तुम कुछ मुझे बताओगे अब तूफान? उसी ने मेरे पैसे चुराए हैं। क्या क्या कह रहे तुम? क्या उसने घर से पैसे चुराए हैं? नहीं, घर से नहीं चुराए हैं, मुझे लूटा है। अगर उसने घर से पैसे नहीं चुराए तो कोई मसला नहीं है, तो अब हमें गांव नहीं जाना पड़ेगा और हम यहाँ रह सकते हैं, है ना? मैं कह तो रहा हूँ घर के पैसे नहीं चुराए उसने, वापसी पर मेरे पास कुछ पैसे थे वो चुराए उसने। ओके, सुन लिया मैंने। हाँ तो कहाँ है डॉक्यूमेंट्स? कहाँ है डॉक्यूमेंट्स? जो थे वो बस मलिका के पते पर पहुँचा दिए थे ताकि वो कम अज कम महफूज रहे। देखो मैं कितना ज़हीन हूँ ना यार, मैं सोच रही थी कितना अच्छा होता ना अगर हम यही रह सकते, दीवा भी यहाँ है। मतलब तुम्हें भी नहीं पता था, है ना? तुम्हें पता है ना दीवा कौन है? जो लापता थी, जिनका नाम परिहार है, और वो हमारे साथ वाले घर में छुपी हुई थी और जीजू ने उसको छुपाया हुआ था और सबको गोल गोल घुमा दिया। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें यकीन नहीं मुझ पे? कसम खाती हूँ मैं। चलो फिर घर चलते हैं, रास्ते में सारी तफसील बताना मुझे, जल्दी चलो अब मशहूर हो जाऊंगा मैं। जल्दी चलो, मुझे अपने गाने दीवा को सुनाने हैं। नहीं बिल्कुल नहीं करना, उठाओ उसको, मैं तुम्हें कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं करना, समझे? मलिका मैडम। हाय। सलाम। एंगिन सर कह रहे हैं कि उनका काफी अर्जेंट ऑपरेशन है, इसीलिए बाद में इंटरव्यू देंगे। वाकई? चलो। मुझे डर है। शुक्रिया। गुड बाय। सब ठीक है? जी हाँ। अच्छा है। मैं जाकर एंगिन से कह देता हूँ कि मलिका की वालदा की कॉल आई थी, इमरजेंसी थी कुछ, इसलिए जाना पड़ा। ओके सर। और सुनाओ क्या हो रहा है?
तुमसे मतलब? आ गए फिर से मुदाखलत करने? क्या करोगी? अगर मैं मुदाखलत करूं तो तुम फौरन नाराज होकर बैठ जाओगी। ओ मेरे खुदाया मोहम्मद, मुझे लगता है कि आपको जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए। जो शख्स अभी चीख रहा था वो अब सामने बैठ के हंस रहा है। ठीक है फिर, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया तुम्हें। तुम ठीक हो? मुझे एंगिन पसंद नहीं। ठीक है, तुम जाकर अपना इंटरव्यू करो। नहीं कर सकती, एंगिन सर की इमरजेंसी सर्जरी है। अच्छा ठीक है, माजरत चाहता हूं। तुमसे क्या कहूं मैं तुम्हें एक शानदार सा डिनर तो करवा ही सकता हूं। चलो अब इनकार मत करो, काफी भूख लग रही है। हाँ वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है। तो चलो फिर, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। जो मेरी मर्जी होगी। बिल्कुल ठीक है, जहां तुम चाहोगी हम वहीं पर जाएंगे। जहां मैं चाहूं जा सकते हैं? बिल्कुल, हम वहीं जाएंगे। ठीक है फिर। मैं ये रख रही हूं। प्लीज गाना मत गाना, तुम्हें याद है ना MCR अली वाला इंसिडेंट? अरे जन्नत, तुम्हें गानों के बारे में पता ही क्या है, पर दीवा को समझ है, तुम देखना जरूर पसंद आऊंगा उन्हें। मैं देखता हूँ जाके। अगर बाहर हयाती हो ना तो उसे अंदर बिल्कुल भी नहीं आने देना। तुम कैसे हो मशहूर आदमी? हेलो हेलो हेलो, तुम अपना पोज बदल सकती हो, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये जर्मन टर्क है और ये उसका भाई है तूफान। इंशाल्लाह तेरे हाथ टूटेंगे, तेरे पैर टूटेंगे, इंशाल्लाह तेरा मुंह टूटेगा, तेरा सर फूटेगा, तेरे बाल झड़ेंगे, तेरी नाक फूटेगी। तेरा मुंह टूटेगा, तेरी नाक फटेगी, तेरा हाथ टूटेंगे, तेरे पैर टूटेंगे, तेरा सर फटेगा, तेरा हाथ टूटेगा, तेरी खाल झड़ेगी, तेरे बाल झड़ेंगे, तेरा मुंह फटेगा, तेरे इंशाल्लाह। अरे कोई रोको इसे, चुप हो जाओ। क्या है ये तहसीन? इग्नोर करना ही बेहतर है इसको। आपको पसंद नहीं आया क्या? काश के मैं बालकनी से गिर के मर गई होती, मुझे किसी ने ना बचाया होता। ऐसा मत करो मेरे साथ। मुझे लगता है मेरा सुर खराब हो गया था, मुझे और थोड़ा मानर में जाना चाहिए। इंशाल्लाह तेरे नहीं, नहीं, नहीं और नहीं सुन सकती मैं, चुप हो जाओ। और हौसला नहीं मुझ पे, पहले ही बहुत बुरे हाल में हूँ और नहीं चाहती कि मेरे कान भी खराब हो जाए। अरे नहीं, लगता है इसका दिल टूट गया। नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, ये उसकी आदत है, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जाके उसे देखती हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। बाय। मैं आपकी मदद करता हूँ। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है फिर मिलते हैं, बाय बाय। चलो आओ भी अब जल्दी। तहसीन तुम तो उसके असिस्टेंट बन गए। <laughs>
काश मैं तुम्हें तुम्हारा सामान पकड़ने के लिए ना कहता जर्मन टर्क। आज के दिन की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। क्यों, क्या हुआ? इतना वजन उठाया नहीं जाता तुमसे। मेरी रूह के लिए वजनी है। ये पहनकर दूल्हा मिल जाएगा तुम्हें। तुम्हें क्या? तुम्हारे लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ मैं। मेरे कपड़ों के पीछे क्यों पड़ गए हो तुम? और जरा मुझे ये बताओ कि ये क्या है? क्या ये हेलोवीन के लिए है? क्या मसला है तुम्हें? तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? हाँ, वैसे भी तुम फैशन को नहीं समझते, समझ आए ना? हाँ, वैसे भी प्यार के डॉक्टर्स आउट ऑफ फैशन है। तुम्हें ट्रेंड्स का क्या पता? तुम क्या फैशन डिजाइनर हो गए हो? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि एक औरत पर क्या देखना चाहिए मुझे, उसके लिए ये काफी नहीं है। और ये यकीनन उनमें से नहीं है। हाँ तो मुझे जैसे बड़ी फिक्र है तुम्हारी पसंद नापसंद की। हाँ और मेरा यकीन करो कि इन कपड़ों में तुम्हें जो भी मर्द देखेगा वो तुमसे बस एक ही चीज चाहेगा, और वो शादी नहीं है। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। तुम्हें तो किसने कहा था कि नहीं देखो? और तुम सबसे ज्यादा मारने वाली लड़की हो। मारने वाली? एक गन वाले ट्रक की तरह। जब तुम एक मर्द को मारती हो तो उसके अंदर शादी की ख्वाहिश को भी मार देती हो। हाँ एक और बात, जर्मन टर्क, सबक नंबर एक, उस लफ्ज पर कभी मत पिघलो जो तुम्हें अच्छा लगता है, अंजाम खराब हो सकता है इसका। घटिया इंसान, निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है। अरे वाह सैंडविच। मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें सूट करेगा या नहीं, लेकिन तुम्हें खाना जरूर चाहिए, एक बार ट्राई जरूर करो। मैं खरीद रही हूँ, ठीक है? वो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, तो इसलिए बिल भी मैं ही पे करूंगी। आई समझ? मुझे याद पड़ता है कि आखिरी बार तुम्हारे पास कुछ ही पैसे थे। मैंने बस वाले को पैसे दिए थे, तो इसलिए बस 72 लीरा ही रह गए। तो फिर ठीक है, तुम वो पैसे अपने वॉलेट में ही रखो, रखो शायद तुम्हारे काम आएंगे। हमें कल सैलरी मिलनी है, वैसे भी मैं यहाँ लाई हूँ, तुम यहाँ पहली बार आए हो, तो इसलिए अपने पैसे बचा के रखो। मैं ले रही हूँ। अच्छा तो ये तुम्हारी जगह है? हाँ जाहिर है, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारे जैसे अमीर लोगों को इस जगह का नहीं पता। सच में? सच में। कैसे हो तुम? ओ मोहम्मद भाई, खुशामदीद, खुशी हुई देखकर। कैसे हैं आप डॉक्टर? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। हमें एक सैंडविच तैयार करके देते। जी हाँ, पीने के लिए वही है ना। अच्छा तुम बताओ, वो जो खट्टा सा ड्रिंक होता है बहुत मजे का होता है, पीना चाहोगी? पियूंगी। बात सुनो, दो कॉकटेल्स तैयार कर दो। अरे मोहम्मद भाई कैसे हैं आप? शुक्रिया आपका। वैसे तुमने अभी तक पैसे अपने जेब में नहीं रखे। मैं अभी शौक से तो बाहर आ जाओ। क्या तुम इस जगह पे पहले भी आ चुके हो? हाई स्कूल से। चलो कभी कभार तुम मुझे हैरान कर ही देते हो। तुम मुझे बार बार हैरान करती ही रहती हो, क्या करें हम बताओ? हाँ कर लो, तुम भी कर लो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये लीजिए, तैयार हो गया ये। शुक्रिया आपका। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मोहम्मद भाई? अरे खैर है, ये पैसे आप रख लें। ये लीजिए, ये देखिए, मेरा हाथ गर्म पानी से जल गया था। इनका शुक्रिया कि इन्होंने अपने हॉस्पिटल में फ्री में मेरा इलाज किया। क्या मुझे जगह मिलेगी? मैं पागल हो जाऊंगी। उसने तुम्हारे अजीज दोस्त का दिल चुरा लिया, तुम्हारी मंगेतर के पीछे जाल बुन रही है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि उसे भेज दो यहाँ से। तुम मेरी बात सुनने के बजाय उसकी तरफदारी कर रहे हो। मैंने तुम्हें तीन चीजों के बारे में पहले भी बताया था, अपनी हद में रहो
इंतजाम करने की कोशिश मत करो, झुकाओ मत। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। मैं अंकल नहीं हूं और तुम भी खाला नहीं हो। चलो अब जाओ यहां से। आराम से खाओ, आराम से खाओ, गले में फंस जाएगा। अब तुम मेरे खाने पे ही मुदाखलत करोगे? ऐसा ही हूं मैं, डिस्टर्ब करता हूं। ओ मेरे खुदाया, वैसे तुम तो बहते ही चले जा रहे हो। किससे? मंगनी के खेल से। पहले तुमने मेरे इंटरव्यू में मुदाखलत की और अब खाने में भी कर रहे हो। तुम एक काम करो, तुम सर्जरी छोड़कर ये सब करना शुरू कर दो। ओह माय गॉड। मैं क्या करूं? साथ ही बहुत ही मजा किया है मेरा, पिघल गया मैं तो। मैं अभी आता हूं। एल्कनूर? मोहम्मद, मुझे लगा कि तुम मुझे डिनर के लिए लेने आ रहे हो। यार देखो, हाँ वो एक इमरजेंसी आ गई है। क्या मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में मिल सकता हूँ? ठीक है। वो मुझे आज एल्कनूर से मिलना था, भूल गया। ठीक है, उठते। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। मलिका प्लीज। सच में कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। दादा, वैसे तो आप दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन आपको धोखा देना आता है। ये कोई स्नैप नहीं है। ये सांप नहीं है, इसे जरा गौर से देखो। हाय, ओह ओह ओह, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, खुदा का बहुत शुक्र है। ओह कहाँ थी आप? मैं यहाँ दादा को उस कर्नल से बचाकर खुद मरने वाली थी, बस यही दफन हो जाती। मैं बहुत थक चुकी हूँ, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। हमें बाजार में कुछ नहीं मिला, आज बाजार में बहुत थक गई हूँ मैं। मेरे बच्चे कहाँ हैं? जन्नत और तूफान? वो घर में ही मौजूद हैं, बस सोने के लिए ऊपर गए हैं, थके हुए थे। शैतान वो खुद भी और उसकी बीवी सना भी। नाम करने के लिए एक मर्तबा फोन कर लिया। क्या इसे प्यार कहते हैं? ऐसी औरतें खुद को समझती क्या है? क्या पता दीवा मैम, पर मुझे समझ आता है। वो एल्कनूर से प्यार करता है और उससे मंगनी कर रहा है, और मुझे पता है कि वो मेरे बगैर भी खुश रह सकता है। वो लड़की नहीं थी जिसे वो प्यार करता था। क्या मतलब? तुमने ही तो कहा था कि उन्हें हाई स्कूल में प्यार हुआ था, अब अपनी बात से क्यों फेर रहे हो? कोई और लड़की है क्या? नहीं, मैं एल्कनूर की बात कर रहा था। बिल्कुल, एल्कनूर अलग थी, वो सालों बाद काफी बदल गई है। हम्म,
मेरी जान, तुमने कुछ नहीं खाया? आने से पहले कुछ खाते हुए आए थे क्या? नहीं, आने से पहले मैंने कुछ खा लिया था। तुम्हें मेरे साथ डिनर करना था और तुम यहाँ पर आने से पहले खा कर आ गए? नहीं, डिनर नहीं। तुम्हें याद है हमारे स्कूल के नजदीक एक सैंडविच वाला हुआ करता था, वहीं गया था मैं। उफ, प्लीज मुझे याद मत करवाओ। मेरा मतलब, हम उस तरह की चीजें कैसे खा लेते थे, सोच कर ही गिनाती है। मैं अब भी वही चीजें बड़े शौक के साथ खाता हूं। मैं आज वहीं पर था। अच्छा ठीक है मोहम्मद, देखो मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि मत खाओ वो सब, क्योंकि करोगे अपनी ही मर्जी। मैं तुम्हारे अंकल की तरह नहीं हूं और ना ही सना खाला हो तुम। यहां अगर कोई मसला पैदा करने वाला है तो वो तुम हो। मैंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि तुमने मुझ पर जोर डालने की कोशिश की है। तुम काफी बदल गए हो, पता है? जो मैं तुमसे चाहती हूं उसे तुम जोर जबरदस्ती का नाम दे रहे हो। मैं बदल गया हूं, बिल्कुल। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। हाँ जाना चाहिए, मेरा बाजू वैसे भी अब और इजाजत नहीं देता। हाथ सुन हो गया होगा ना तुम्हारा? तुम दूसरी चीजों के साथ भी बुरा सलूक करती हो, मेरी फेवरेट जर्नलिस्ट। मैं समझी नहीं। तुम्हारा दिल, तुम्हारी जवानी, इनके साथ बुरा सलूक करती हो। तुम्हें कुछ करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं क्या कर सकती हूँ दीवा मैम? मतलब ये कि तुम काफी कुछ कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो अपने दिल को मारकर अपने मामला शुरू कर सकती हो। इसके अलावा और क्या चॉइस है? ऐसे कैसे कोई चॉइस नहीं है? क्यों जला रही हो तुम खुद को? शायद ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता। चलने के लिए आपके पास पहले कोई उम्मीद होनी चाहिए। अपने आप को धोखा दे रही हो डार्लिंग। अगर मायूसी होना था तुम्हें तो यहाँ तक क्यों आई तुम? ऐसा नहीं है। वो मुझे उसका किसी और के साथ होने में कोई मसला नहीं। अगर वो किसी और के साथ ना खुश है तो फिर मुझसे नहीं रहा जाता। अच्छा चलो इधर आओ। My baby. खैर जो भी, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। इस वक्त कौन आ गया? कौन है? जान शो ले आओ।
हरगिज़ नहीं। इतने सारे गुलाब अंदाजन कितने होंगे ये? 40 बंचेस। वैसे मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हो सकता है ऐसे ही हो। इस दफा नहीं। बार मैं दीवा को बेवकूफ बनने नहीं दूंगी और ना ही मैं वैसा करूंगी जैसा आप चाहते हैं। बस अब बहुत हो गया। जमीना एक इंतहाई नाजुक दौर की तवक्को कर रहा है। मरीख अपनी पूरी तवज्जो के साथ जहरा की मदद पर हमला कर रहा है। अगर वो सब कुछ भूल जाते हैं जो उनके साथ किया गया था, जो तारीफ और फूलों के बुके पे यकीन रखते हैं, उनके जख्मों से और खून बह सकता है। एक बात याद रखिए कि जख्मों को भरने में वक्त लगता है। ताजा दम होने के लिए आपको पहले उसे दफन करना होगा। अपनी उम्मीद को कुछ और ताल दें। खास तौर पर तुम मलिका और एरीस, उस उम्मीद को पूरी तरह मार दो। Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan. Püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan. Püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Sanki özünde benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan. Püsküllü belam olup derdin.
derde salan var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püskül belamı derde salan var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde benim içimde uhde kalan. Biriktirdiğim aşkları hiçe sayan. तुम्हारी डेट कैसी गई? अच्छी थी। आते वक्त मैं हॉस्पिटल में था, कबूतर को चारा दिया मैंने। काश आते वक्त उसे भी ले आते, देख लेती मैं। नहीं, मैं नहीं लाया। हमारे दरमियान मुझे किसी की डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। और फिर हम उसे कर्नल के पास छोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। हाँ, पर अच्छा होता अगर हम उसे देख लेते। कैसा गुजरा? अच्छा, आपके अंकल ने दीवा को फूलों से भरी गाड़ी भेजी। ऐसे ही है वो, हर दफा पीरू गुस्से में आ जाती है और मेरे अंकल फूल वाले के पास जाते हैं। पर इस दफा ऐसा लगता है दीवा मजम्मत करेंगी। उम्मीद करता हूं। पीरू काफी मुश्किल से गुजरी है, बहुत इंतजार किया है उसने। मेरे अंकल ने उनसे वादा किया था, उसने कहा कि हम शादी करेंगे और जिंदगी की शर्तों ने उसे कहीं और ही पहुंचा दिया। तो क्या ये एक बहाना है? बताओ, औरतों के ख्वाबों का क्या? उसके ख्वाब बिल्कुल। इस वजह से मैं पीरू से मुत्तफिक हूं। एक आदमी अगर उसने वादा किया है, खास तौर पर किसी औरत से, तो उसे पूरा करना ही चाहिए। अगर उसने कहा कि हमें शादी करनी चाहिए तो वाकई में करनी ही चाहिए। चलती हूं। बात सुनो, बोलो। नाराज हो क्या? क्यों, किस लिए? तुम अचानक जा रही हो? शायद अम्मी कॉल करेंगी, गुस्से में होती है ना। वो क्यों? क्या हमारी मंगनी नहीं हुई? खेल भी है तो क्या हुआ? जब मैं छोटी थी तो पता है क्या बुरा लगता था मुझे? मेरी अम्मी मुझे कॉल करती थी और मैं खेल में मशगूल होती थी।
मालिका। मेरे साथ खेलो। ये लो, हाँ, मुश्किल खेल को खराब कर देती है। बस बहुत खेल लिया दादा, अब कॉफी का वक्त है। मैं बस यूं गई और यूं आई, मजे लेके कॉफी पिएगा, पूरी कॉफी पिएगा। काजिबा बहन, हम रात से कार्ड्स खेल रहे हैं, अब मुझे नींद आ रही है, सोऊंगी मैं। अब दादा को किसी और के हवाले करें। हाँ जन्नत, अरे जन्नत, क्या मियार हर वक्त जन्नत जन्नत जन्नत। जन्नत मेरी बात सुनो, तुम कार्ड्स खेलो अपने दादा अब्बू के साथ, वरना वो जहाज में बैठने की बातें शुरू कर देंगे। ओहो, ये क्या है? हाँ मामा, ये कल ही तो लिए हमने, आपके सामने ही लिए थे। मैंने वो पहन कर देखा था, पर वो मुझे बहुत टाइट था, फिट नहीं था। मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके इसको चेंज करवा लूँ, है ना? हाँ हाँ, जाकर जरूर चेंज करवा देना। वैसे भी तुम काफी काम चोर हो, काम तो करती नहीं हो, मोटी होती जा रही हो। जाओ। तूफान! अरे तूफान, ये लड़का भी ना कल से सोए जा रहा है। मैं ताश खेलूंगा, ताश खेलूंगा। ठीक है बाबा, ठीक है, आप आराम से ताश खेलते रहें। अरे कीबर, काश कि मुझे भी ताश खेलना आता। हेलो, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, काम से जा रही हूँ। इन कपड़ों में? पार्डन, क्या खराबी है इनमें? वहाँ ऊपर कुछ काम चल रहा है, शायद तुम्हें टैक्सी बुलानी पड़ जाए। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम बुला लो टैक्सी। क्या मैं तुम्हें कोई दरबान की तरह लगता हूँ जन्नत? खुद बुला लो। अच्छा अच्छा, रुको। हेलो, हाँ सुलेमान, मैं तहसीन बात कर रहा हूँ। इस वक्त टैक्सी घर भेज सकते हो क्या? ड्राइवर को जान पहचानता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वैसे जा कहाँ रही हो तुम, शोहर तलाश करने? हाँ हाँ, शायद वहीं जा रही हैं। तुम क्या पूछ रहे हो? इन कपड़ों में? हाँ। मुश्किल हो जाएगा। या अल्लाह, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें मेरे शोहर ढूंढने में क्यों दिलचस्पी हो रही है? हाँ चलो, इसे पेशा वराना खराबी कह लो तुम। यानी तुम्हें देख कर लग नहीं रहा कि तुम्हें कोई अमीर या कोई अच्छे घराने का शोहर मिलेगा, पता नहीं क्यों। तुम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो बेवकूफ इंसान। इस पर समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें अपने आप पर बहुत काम करना होगा। जानता हूँ ये मुश्किल होगा तुम्हारे लिए काफी। क्या, अब तुम जाओ और अपने सस्ते आइडियाज किसी और को बेचो, मुझे नहीं, समझे तुम? सुनो, तुम मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही हो। इन हर्बों के साथ मैं तुम्हारी जैसी एक औरत बना सकता हूँ, हेल्प करेगी शौहर ढूंढने में। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मुझे अपना शौहर ढूंढने में तुम्हारी जरूरत नहीं। या शायद मुझे पहले ही मिल गया हो। हाय अल्लाह, ख्वाब तो देखो इसके। अरे मेरी जान, मुझे लगता है तुम शाम से सोए हुए हो। हाँ अम्मी, मैं सो ही जाऊंगा, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे लगता है जैसे मेरे पेट में तूफान उठ रहा है। शर्म तो आती नहीं, हिलो मत हिलो मत, काम चोर इंसान, जब देखो बस सोते ही रहते हो, और कोई काम है? मेरी बात सुनो तूफान, मुझे मेरे दस्तावेज दो ताकि मैं सुकून से रह सकूं। अम्मी बात वो ये है कि मैं ये कह रहा था जैसे बस वो दरअसल मैं थोड़ा सा मतलब आप समझ ही ना मेरी बात को। तुम
मुझे तुम पर यकीन नहीं आता। हाँ, लगता है तुम्हें अब मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। नहीं अम्मी, वो मैंने ले लिया है मैंने, लेकिन वो मैंने पोस्ट कर दिया उसे ताकि रास्ते में कुछ परेशानी ना हो। एक दो दिन में आ जाएगा। जरा सा अपने सर ऊपर करो। तुम मुझसे आंखें मिलाकर बात क्यों नहीं कर रहे तूफान? हाँ, तुम ये समझते हो कि तुम्हारी माँ बेवकूफ है? आज मुझे तुम अपने बुरे बाप की तरह दिख रहे हो। मुझे तुम पर यकीन नहीं। मुझे लगता है तुम इस तरह से नहीं मानोगे। अब मैं जा रही हूँ तुम्हारे अंकल को कॉल करने। अम्मी सुने तो सही, सुने। अम्मी मिल गया है मुझे मिल गया है वो, मैंने पोस्ट कर दिया है। आप यकीन जाने, मैं सही कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आप मेरी बात तो सुने। दूर रहो मुझसे। अब मैं नहीं रुकूंगी बिल्कुल भी। ये फोन को क्या हो गया है? फोन चार्ज ही नहीं है अभी आपका। हाँ, चार्जिंग नहीं है। सब कुछ है। हाँ, मिल गया। अरे पोस्टमैन, क्या लाए हो तुम? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरे पास एक खूबसूरत लिफाफा है तूफान सलाम के नाम से, F1 अमरदाग की तरफ से। ये ले, यहाँ पे दस्तखत कर दें। अब सब हो गया है, मैं चलता हूँ खाला जान। आपका दिन अच्छा गुजरे। शाबाश मेरा बच्चा। अरे अरे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे मेरी बात तो सुन लो तूफान, ये वही दस्तावेज है ना? ये दस्तावेज कहाँ से मिले तुम्हें? बचोगे नहीं तुम मुझसे। देखो, मुझे मारने का कोई फायदा नहीं है, पैसे और मालूमात नहीं मिलेगी। रात को पार्क में आ जाना, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए काफी अच्छी चीजें हैं। निकल जीवन। यार अंकल, क्या हुआ? इस छोटी चुड़ैल की तो ऐसी की तैसी, कसम से जला दूंगा। अंकल आराम से बोले, कहाँ है वो? मेरे कमरे में। यार अंकल बताइए तो सही कि क्या हुआ? जरा देखो इसे, उसने फिर से मसला खड़ा कर दिया। बास क्यों नहीं आ रही वो? जमीना एक इंतहाई नाजुक दौर की तवक्को कर रहा है। मरीख अपनी पूरी तवज्जो के साथ जहरा की मदद पर हमला कर रहा है। अगर वो सब कुछ भूल जाते हैं जो उनके साथ किया गया था, जो तारीफ और फूलों के बुके पे यकीन रखते हैं, उनके जख्मों से और खून बह सकता है। आखिरत काफी खौफनाक है अंकल। अंकल आपको कुछ बताऊं मैं? आप खत्म हो चुके हैं। और हमने क्या कहा था? मुझे लगता है तुम्हें इसे देखना चाहिए। आओ, आज का हॉरोस्कोप। मेरे एक अपनी पूरी तवज्जो के साथ अपने मदार में आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी नहीं भूलूंगी कि मेरे साथ उसने क्या किया है, चाहे कुछ भी कर ले वो। अच्छा, ऐसा है। ठीक है, ये लो प्यार का जवाब, प्यार से फूल भिजवा दो वापस। अब प्यार की मार मारूंगी तुम्हें हयाती। ओहो मलिका, तुम्हें डर लग रहा है ना? बाबा ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अच्छा बताओ, उनके साथ क्या करें? गुस्सा करें उनपे? मैं तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं कर रही ना? मैं उस पे गुस्सा नहीं हो सकती। तुम्हें पता है, कल रात को दीवा और तहसीन से बात होने के बाद मैंने सोचा, अगर मैं बहादुर होती, मैं उससे साफ साफ कहती कि
मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे बहुत याद करती हूँ। जब मैं उसे देखती हूँ ना तो सब अच्छा लगने लगता है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं उसे इतनी जोर से गले मिलती हूँ कि उसकी बेचारी जान हार मान लेती है। तुम अभी मतलब मैंने जो भी कहा, फिक्र मत करो, किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम करली से बात कर रही थी, खास तौर पर गले मिलना चाहती हो। इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये पागल है। वैसे तुम्हें क्या पता, यही प्यार है। तुम इस कबूतर से क्या कह रही हो? कुछ नहीं, खैर मुझे अब जाना है इंटरव्यू करने। इंटरव्यू किसका बताओ? हाँ जनाब, कैसी हो प्यारी लड़की? कोई और काम नहीं जब देखो बीच में घुस आता है। क्या कहा? कुछ नहीं भाई। वैसे तुम यहां पर आए क्यों? मलिका के लिए। मलिका को लेने के लिए? हम वो इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो हम कल नहीं कर पाए थे। इंटरव्यू तो तुमने कर ही लिया है। मैं सच में बहुत खुश हूं। ये क्यों खुश है? हम कब इंटरव्यू कर सकते हैं? जैसे तुम बेहतर समझो। ठीक है तो फिर चलते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। हाँ मोहम्मद, इसको पानी देना मत भूलना, ठीक है? ठीक है, भूलना मत। वो उसे छूने की कोशिश कर रहा है, खुदा की कसम। मुझे क्या, मुझे हो क्या रहा है वैसे? रिलैक्स मोहम्मद, रिलैक्स कराओ। फाइनली